टाइगर पार्क, एविनमेंट, टाइगर वाले लुक। अब आया है 22 रेड टेल शार्क। हाँ, ये नाम से भी इतनी लग रही है, ये भी काफी बड़ी बड़ी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में पैदा। इंडिया की नहीं है ना ये? इंडिया के आसपास की अगर कंट्री है। अच्छा, सब लोग माई गोल्ड। ये तो गोल्ड है भी नहीं, तो ब्लैक प्रेशर धोखा दे दिया। ड्रामा बेलीगिरी ऊपर एक बहुत ही है। सनी कितनी बार नहीं पड़ती है काफ़ी। आईसीएन की रेड लिस्ट में लो और नियर सेकेंड है, ख़त्म होने वाली है यहाँ पर। ये पूरी वैसी है नीमो वाली। देखिए ऑरेंज होती तो वो नीमो लगती है। और ये जो ऑरेंज सी नहीं है कुछ भी, तो एकदम नीमो लग रही है। हाँ, मूवी नीमो है भाई। हाँ वही है, भी मरीन के शेर है। ज़्यादा नहीं होगी वो दिन क्या होगी उसी फूड में आता क्या होता है सर? क्रैप्स आज होता है। हाँ क्रैप्स, उसका मुझे फील आ रहा है देख के। ओके हाँ बचे, लेकिन है ये फिश ऐसा दिखता है। हाँ सर, सर पता नहीं चल रहा था। गोल्डन ब्लैक और वाइट में, ब्लैक नहीं है, बड़ा अलग कलर है कुछ डार्क ग्रीन टाइप। ये वन साइड वाला हम लोग का कवर हो गया 30 नंबर। और ये हम लोग वहाँ से घुसे थे प्रवेश थे, और अब हम लोग एग्जिट पर आ गए। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे अब हम लोग दोबारा। 30 कवर हो गया था, अब ये 31st है। गौर आर्मी वन साइड बहुत बड़ी बड़ी है। छोटी छोटी होती हैं, वाली कैट फिश बहुत बड़ी थी। अंदर है, अच्छा अंदर ही है, और एक उधर भी है। कम दिख रहे हैं तो दो इधर हैं, दो अंदर हैं, और पीछे भी है। बैठे हैं तुम मेजर है ना? मेजर है ना, एकदम शुभ नगर रख लो सब कुछ, शुभ नगर रख रहे हैं सब कुछ। ये बढ़िया कुछ सारे कुछ करके और
अब अभी 35 पे स्पीशीज ऑफ जेनस पैटा दोबारा से ऐसा वाले ये काफ़ी बढ़िया है वो इनका कैटरी जैसा ही है फ्रेश वाटर ईल जैसा लग रहा है पूरा छोटी है उसकी बड़ी बड़ी होती है ये बड़ी बड़ी होती है और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखाई थी बड़ी बड़ी 37 नंबर है मेंटेनेंस में तब यहाँ कोई कुछ नहीं है और ये बीच में 2-3 लगा रखे हैं टैंक उनका नाम नहीं देख रहा है मेरे ख्याल से जापनीज हैं इनका लिखा है भारतीय ग्लास मछली ग्लास फिश है देखो आस पार दिखे लाइन में हड्डियाँ इनकी वो दिख रहे हैं काटे एकदम ट्रांसपेरेंट है अंदर की उसकी बोन दिख रही है पूरी एक लास्ट में अभी बची है काफ़ी अच्छी है 7 हो गया था ये है 38 माइनर कार बड़ी है तो ये इनका राजा है सबसे बड़ा है बाकी सब छोटी छोटी हैं उबलती है मतलब पानी तो उबलती है यदि नहीं सैंड उबलती है अच्छा नहीं सैंड खाती है बोन की जगह पे अगर वो लाइन ना होती है शायद दिखता भी है ना बोन भी दिख जाती है इनकी आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपका कुछ मतलब होता होगा टच नहीं करने का एक्वेरियम को अब मैंने देखा उधर से स्टार्ट हुआ था और अब
एक्वेरियम का जो सेगमेंट है हम लोग का अब यहीं पे एंड होता है। तो अब हम लोग अब चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से निकल चुके हैं, एग्जिट कर लिया हम लोग ने, और यहाँ इस जगह पे थोड़ी देर बैठते हैं। ठंडा है लेकिन बैठेंगे या फिर निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ा बहुत झूले बना रखे हैं खेलने के लिए बच्चों के, ये पता नहीं क्या चीज़ है। इसमें शायद प्लांट्स ग्रो किए हैं अंदर, इसमें प्लांट्स हैं। फिश के मुंह में अंदर प्लांट्स ग्रो करे हुए हैं, इधर भी और उधर भी। काफ़ी अच्छा बना रखा है, आ सकते हैं आप लोग। और हाँ, टिकट इसका जो था, जिसका टिकट था वो 30 रुपीज़ था, तो मैं बताना भूल गया था तो बता रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी वाली जगह है ये। ये देखो मशरूम बना रखे हैं, ये यहाँ पे आते ही आम का पेड़ है। हो सकता है जब तक आप लोग आए बड़े हो जाएं लोग, अभी तो एकदम छोटी छोटी अम्मियाँ हैं। और ये बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ का मेन गेट, इधर थी पार्किंग जो कि मैंने उधर स्कूटी खड़ी की है। और ये था गंगा एक्वेरियम, काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी अच्छी प्लेस है। तो जहाँ के लिए गए थे वो तो खुला नहीं था, तो इसलिए हम लोग गंगा एक्वेरियम चले गए, वो भी बगल में ही था। और उसके जाने के बाद फिर हम लोग गए थे एक जगह दिलकुशा गार्डन करके, वो इसमें मैं नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि ये वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अगर वो देखना है तो उसके लिए आप सेकेंड व्लॉग का वेट करना, वो इसके बाद एडिटिंग होगी। अभी पहले ये वाला पड़ेगा पार्ट टू, और जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक जो होगा वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना। और आई होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।